सीएसके की बल्लेबाजी को देख करके मजा आ गया। जी हाँ, तो मैं आज बात कर रहा हूँ सीएसके की बल्लेबाजी की। आज का मुकाबला एलएसजी वर्सेस सीएसके के बीच खेला जा रहा था। एलएसजी ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वहीं पे पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने 210 रन बनाए। एलएसजी को जीत के लिए 211 रन चाहिए। आज की बल्लेबाजी सबसे महत्वपूर्ण रही ऋतुराज गायकवाड़ ने, जो कि नाबाद अर्धशतक शतक बनाए, उनका साथ दे रहे थे सबसे अच्छे साथ शिवम दुबे। और माही की आखिरी गेंद पे चौका लगाकर माही ने आज का मैच में और भी रोमांच बढ़ा दिया। तो देखते हैं कि एलएसजी के केएल राहुल या किंटन डिकॉय के मुकाबला को कितनी दूर तक ले जाएंगे। हालांकि दूसरा इनिंग में ड्यू का इफेक्ट रहेगा, तो ड्यू का इफेक्ट की वजह से रन काफ़ी आसानी से बन सकता है। फिर भी विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी है, ये इतनी कोई भी स्कोर को इतनी आसानी से नहीं बनने देंगे सीएसके की टीम है, और ख़ासतौर पर महेंद्र सिंह धोनी स्टंप के पीछे। तो देखते हैं ये मुकाबला कौन जीतेगा।